नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण लाल धाकड़। आप देख रहे हैं आदर्श किसान सेंटर। तो दोस्तों फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, फिर हम तकनीकी खेती के बारे में राम कुमार और अमर जी से लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, मैं राम कुमार वर्मा, गांव चक देदासपुरा, तहसील नोहर से आज आपको एक ऐसी नई तकनीकी खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पिछले साल जुलाई 2017 में हमने प्रशिक्षण लेकर के जिसको यहाँ पे जो स्टार्ट किया था। हमारे जो एरिया है ये बरानी क्षेत्र है, बरानी क्षेत्र के अंदर बरसात बहुत कम हो रही है और ज़मीनों का पानी खारा है, इसलिए हमने जो हमारे एग्रीकल्चर जो अधिकारी श्रीमान बलवीर सिंह जी है उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक ऐसी खेती अपने क्षेत्र में हो सकती है किसानों के लिए जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है जिसका नाम स्पायरोलिना है और वो 9 से 11 पीएच के खारे पानी में पैदा होती है। तो उस खेती के बारे में आप विचार कर लो। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये कहाँ से उसके बारे में सीखने के लिए मिलेगा और कैसे हम इसको डेवलप करेंगे, तो उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया और हमारे जो हनुमानगढ़ आत्मा परियोजना के डायरेक्टर श्रीमान दानाराम जी गोदारा जी के सहयोग से हम उसको प्रशिक्षण लेने के लिए हम दिल्ली गए। राज्य सरकार की तरफ से हमें दिल्ली प्रशिक्षण के लिए भेजा गया जहां अपना जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, जहां पे हमारा जुलाई के अंदर करीब 5 दिन तक इसका प्रशिक्षण चला जिसमें वहां के जो सीनियर जो वैज्ञानिक है डॉक्टर जो डॉलीधर मैडम और उसके साथ साथ डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी, डॉक्टर सुनील पब्बी जी और डॉक्टर तिवाड़ी जी और डॉक्टर देव चौधरी और डॉक्टर अब्राहम सर, इन्होंने सब ने मिल के 5 दिन तक हमें अच्छी तरह से स्पायरोलिना के बारे में सिखाया भी इसकी स्पायरोलिना की खेती कैसे होती है, तो उसके बारे में वहाँ से अच्छी तरह से सीख करके और हमने आके यहाँ पे शुरू किया। हम थोड़ा सा वहाँ से इसका कल्चर लेके आए और उस कल्चर को हमने यहाँ पे बढ़ाया। ये स्पायरोलिना एक समुद्री एल्गी है जो कि दुनिया का सबसे सुपर फूड है। ये हमारे इंसानों के खाने के लिए होता है, अगर कोई इसका सेवन करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है 65 से 75% तक और सभी तरह के विटामिन्स मिनरल्स खनिज और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे बेस्ट ये सुपर फूड है स्पायरोलिना। तो हमने इसकी खेती कहाँ से शुरू की, हम थोड़ा सा इस तरह से कल्चर लेके आए थे जिसको हमने धीरे धीरे ये बढ़ता है खारे पानी के अंदर और इसको बढ़ाने के बाद में हम इसको बड़े टैंक में ले आए जो ये देखो ये इस तरह से इसको बढ़ाते गए और जैसे ही ये बढ़ता जा रहा है कल्चर और इसके अंदर ये ग्रीन जो दिख रही है ये इसमें जो बहुत ही एक सूक्ष्म होता है ये स्पायरोलिना जो है, और इसके बाद में इसे बड़े टैंक में ले आए। जैसे ही बड़े टैंक में लेके आए और ये जो बनाया हुआ अब ये स्पायरोलिना तैयार है, अब ये स्पायरोलिना बिल्कुल तैयार है। इसको हम क्या करते हैं, ये जो बनाया हुआ है कपड़े का पॉलिस्टर का इसमें से इसको उठा के सुबह सुबह ये ऊपर आती है तो इसको छान लेते हैं। छानने के बाद में जो इसमें से स्पायरोलिना निकलती है और वो स्पायरोलिना जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्पायरोलिना है ये जो हमने कल ही हार्वेस्टिंग इसकी स्टार्ट की है और कल इतनी सी हमने स्पायरोलिना निकाली है जो हमारे अगर यहाँ पे खेती करते हैं तो इसमें किसान भाई जो है ना बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये मिनिमम 300 रुपये किलो से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर ये 2000 रुपये किलो तक बिकता है और आने वाले समय की बहुत ही ज़बरदस्त ज़रूरत है। आने वाले समय में 2025 तक इसकी बहुत बड़ी डिमांड आने की संभावना है स्पायरोलिना की, क्योंकि कुपोषण की जो समस्या बढ़ती जा रही है, स्पायरोलिना जो सेवन करता है उसके किसी भी तरह की खून की कमी और ये कैंसर तक के खतरे को ख़त्म करता है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो ये कल्चर जो हमने तैयार कर लिया और आगे इसको बड़े लेवल पे कैसे इसको स्पायरोलिना का उत्पादन करते हैं, तो मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। हाँ जी सर, ये हमारा सिर्फ 35x55 फुट का प्लॉट है मेरे पास, ज़्यादा हमारे पास खेती नहीं है, मेरे पास 1 ही बीघा ज़मीन है, लेकिन छोटे किसानों के लिए बहुत ही बड़ा लाभदायक ये रोज़गार है। जो ये हमने इसके अंदर क्या है कि ये दो मैंने पौंड बनाए हैं, ये मैंने तो पक्के बना दिए लेकिन इसको पक्का करने की और ये टर्बाइन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम जो वाइपर से भी हिला सकते हैं।
इतना ज़्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखिए आप, इसमें मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर वो वहाँ से कल्चर जो है ना इसके अंदर ले आए, अब ये करीब 7 से 8 हज़ार लीटर पानी के अंदर ये स्पायरोलिना तैयार हो रहा है। अभी देखो ये हार्वेस्टिंग पे है और इसको छान के बाहर निकालते रहेंगे। ये डेली, ये एक जो पौंड है ये डेली करीब आधा किलो से लेके 600 ग्राम तक उत्पादन देगा। और दोनों अब इसमें भी हम इसको भी चार्ज करने वाले, एक दो दिन में हमारे पास कल्चर तैयार है जो एक बार स्टार्ट करने के बाद में हमेशा ये उत्पादन देता रहेगा। तो इधर हमने इस तरह की जो ये व्यवस्था की है, तो किसान भाइयों ये एक बहुत अच्छी खेती है जो हमारे क्षेत्र के अंदर जो बारिश कम हो रही है और ज़मीनों का जो खारा पानी है, जो ज़मीनों का हाई पीएच का जो पानी है उसको हम इस्तेमाल करके और ये स्पायरोलिना की खेती करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हमारे जो हमने जो हमारे जो अधिकारी है श्रीमान बलबीर सिंह जी है और आत्मा परियोजना के जो डायरेक्टर श्रीमान दानाराम जी गोदारा है और दिल्ली पूसा जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ब्लू ग्रीन एलगी डिपार्टमेंट के जितने भी वैज्ञानिक जिन्होंने हमें इसके बारे में सिखाया और हमारे राज्य सरकार की तरफ से हमें प्रशिक्षण दिलवाया गया, इन सब के हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हम किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि किसान भाई यहाँ से इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस एक नई खेती के बारे में सीख करके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएँ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।